आपसे का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँ। आज का जो मेरा वीडियो है सीआरपीएफ पैरामिलिट्री स्टाफ की, आप लोगों की जो वैकेंसी जुलाई अगस्त 2020 की आप लोगों की वैकेंसी थी, 789 आप लोगों की टोटल पोस्ट थी। जी हाँ, इसके रिटर्न एग्जाम के रिजल्ट से रिलेटेड है। तो काफी ज्यादा स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं क्योंकि भर्ती आप लोगों की पुरानी हो चुकी है और इसके साथ की आप लोगों की एक भर्ती और थी जिसे कि एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन ड्राइवर के नाम से जाना जाता है, जिसके रिटर्न एग्जाम का रिजल्ट यहां पे आ चुका है और उनके ट्रेड टेस्ट भी स्टार्ट हो रहे हैं। जी हाँ, दोनों ही वैकेंसियां आप लोग की लगभग आसपास ही निकल के आई थी जुलाई अगस्त में आप लोग की सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ 2020। इसके बाद आप लोग की जो है सितंबर अक्टूबर में आप लोग की वैकेंसी निकल के आई थी एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन ड्राइवर की। तो दोनों ही भर्तियां आप लोग के साथ साथ चल रही हैं। एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन ड्राइवर वालों के रिटर्न एग्जाम का रिजल्ट आके ट्रेड टेस्ट की डेट यहां पे दे दी गई है। अब सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ वाले स्टूडेंट परेशान है, सर हमारा रिजल्ट कब आएगा, हमारे ट्रेड टेस्ट कब स्टार्ट होंगे, एक वीडियो हमारे लिए भी बनाइए। तो ये वीडियो आप लोगों के रिक्वेस्ट पे आप लोगों के लिए ही है। वीडियो को आप लोग ध्यान से और लास्ट तक सुनिए। देखिए, वैकेंसी बहुत ही अच्छी है सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ की और पहले भी मैंने आप लोगों को जानकारी दी है इसके रिटर्न एग्जाम के रिजल्ट से रिलेटेड, कब तक आप लोग का रिजल्ट आ सकता है, कब तक आप लोग की भर्ती यहां पे कंप्लीट हो सकती है। जी हाँ, आप लोगों ने अभी देखा कि एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन ड्राइवर वालों के रिटर्न एग्जाम का रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के बिल्कुल 3 से 4 दिन के अंदर अंदर आप लोग के यहाँ पे ट्रेड टेस्ट स्टार्ट है और मैंने आप लोगों को जानकारी पहले से ही दे रखी थी कि आप लोग ट्रेड टेस्ट की स्टार्ट तैयारी करते रहिए, कट ऑफ की दिक्कत मत लीजिए। जी हाँ, कट ऑफ की दिक्कत मत लीजिए। यदि मिनिमम पासिंग मार्क्स आप लोग गेन कर रहे हैं, आप लोग तैयारी कीजिए। जी हाँ, तैयारी कीजिए क्योंकि ये भर्तियां बहुत जल्दी 2023 सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और बिल्कुल उसी तरीके से आप लोगों ने देखा एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन ड्राइवर वालों का रिटर्न एग्जाम का रिजल्ट आया और 1 सितंबर से यहां पे उनके ट्रेड टेस्ट भी स्टार्ट है। यानी कि एक हफ्ते का भी समय नहीं दिया गया है बच्चों को ट्रेड टेस्ट की तैयारी के लिए। यहां तक कि जिनका की 1 सितंबर में रिजल्ट यानी कि ट्रेड टेस्ट है और दूर से कहीं ट्रेड टेस्ट देने के लिए जाना है तो उनको रिजर्वेशन करवाने तक का समय नहीं दिया गया। तो जानकारियां मैं आप लोग को देता हूं, ये मान के चलिए जो भी इन्फॉर्मेशन आप लोग को दी जाती है वो इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं से विभाग से ही निकल के आती है और आप लोगों के लिए ही इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है ताकि आप लोग तैयारी करते रहें, आप लोगों को सफलता मिले। जी हाँ, बिल्कुल। तो एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन वालों के ट्रेड टेस्ट स्टार्ट है। सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ वालों को भी मैं क्लियर कर दूं और शुरू से ही बोलता आ रहा हूं, कट ऑफ को लेकर के स्टूडेंट बहुत ज्यादा परेशान है। सर कितने नंबर वालों का सिलेक्शन होगा, नहीं होगा, रिटर्न एग्जाम का रिजल्ट आएगा उसके बाद ट्रेड टेस्ट की तैयारी करेंगे, तो नहीं। पासिंग मार्क्स आप लोग गेन कर रहे हैं, बिल्कुल आप लोग तैयारी करते रहिए, तैयारी आप लोग करते रहिए। क्यों? क्योंकि आप लोगों को भी विभाग धमाका देगा। बिल्कुल इसी प्रकार से सब बहुत ही जल्द आप लोग को इसकी न्यूज मिलेगी, सरप्राइज आप लोग को मिलेगा, रिजल्ट आएगा और ट्रेड टेस्ट की डेट भी आप लोग को सामने आ जाएगी। आप लोगों के पास इतना समय नहीं रहेगा कि हम ट्रेड टेस्ट की तैयारी कर सके। जी हाँ, सीआरपीएफ के द्वारा भी आप लोग को ऐसा देखने को मिलेगा। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि भर्ती का प्रोसेस चल रहा है, मैं आप लोगों से शुरू से बोल रहा हूँ। जी हाँ, प्रोसेस चल रहा है लेकिन अभी सीआरपीएफ का शेड्यूल बिजी है और जो भी कार्यक्रम प्रोसेस चल रहा है उसको बहुत ही प्लानिंग के साथ यहाँ पे करने की बात कही जा रही है। तो देखिए, आपके रिजल्ट की जानकारी जो मैंने आप लोगों को दी है बिल्कुल वही न्यूज अभी भी है। 15 सितंबर के बाद आप लोग को रिजल्ट कभी भी यहां पे देखने को मिल जाएगा, कुछ फिक्स नहीं है मैं आप लोग को बता दूं। लेकिन जिस तरीके से और जिस प्लानिंग के ऊपर वर्क किया जा रहा है वो चीजें मैं आप लोग को बता दूंगा। यहां पे जो कार्यक्रम चल रहा है वो यही है कि सीआरपीएफ ट्रेड्समैन टेक्निकल ड्राइवर का जैसे ही रिजल्ट आता है, जी सितंबर माह में इसका भी रिजल्ट आएगा जिसमें कि 8400 प्लस वैकेंसियां कम भी की गई है। इसके रिटर्न एग्जाम का जैसे ही रिजल्ट आता है उसके बाद सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ के रिटर्न एग्जाम का रिजल्ट भी आएगा और सितंबर में ही आप लोग को पैरामेडिकल स्टाफ का रिजल्ट देखने को मिलना चाहिए। क्यों?
क्योंकि अक्टूबर माह में ट्रेड्समैन वालों का यहाँ पे ट्रेड टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, तो आप लोगों का भी ट्रेड टेस्ट साथ में करवाए जाने की बात कही जा रही है, यही सूचना मिल रही है। तो यदि आपका ट्रेड टेस्ट भी अक्टूबर में स्टार्ट होता है तो 15 सितंबर के बाद आपको भी आपका रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिलना चाहिए। जी हाँ, जो अभी प्रोसेस चल रहा है और जो इन्फॉर्मेशन निकल के आई है वो मैंने आप लोग के साथ साझा कर दी। इसी वजह से ट्रेड पैरामेडिकल स्टाफ वालों का रिजल्ट अभी तक नहीं दिया गया है, क्योंकि अभी ट्रेड्समैन टेक्निकल ड्राइवर वालों का भी प्रोसेस चल रहा है। तो जैसे ही ट्रेड्समैन टेक्निकल ड्राइवर वालों का रिजल्ट आएगा, उसके बाद पैरामेडिकल स्टाफ वालों के रिजल्ट की आने की बात कही जा रही है, और उसके बाद जो ट्रेड टेस्ट स्टार्ट होंगे वो साथ में ही यहाँ पे स्टार्ट करने की बात कही जा रही है। यानी कि आप लोग का अक्टूबर का मंथ इम्पोर्टेंट रहेगा ट्रेड टेस्ट के लिए। क्यों? क्योंकि नवम्बर लास्ट तक आप लोग को यहाँ पे ज्वाइनिंग देने की बात कही जा रही है। जी हाँ, नवंबर लास्ट तक जो भी आप लोग का रोजगार मेरा मिला होगा उसमें आप लोग को जो है यहाँ पे आप लोग को ज्वाइनिंग लेटर यहाँ पे दिया जाएगा। बिल्कुल यही इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है, यानी कि 2023 में ही आप लोग की भर्ती को कंप्लीट होना है। फिर किसी प्रकार की टेंशन मत लीजिए, ऐसा नहीं है कि सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ के साथ सीआरपीएफ डिपार्टमेंट की कोई दुश्मनी है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, प्रोसेस चल रहा है, प्लानिंग के साथ चलना होता है और भर्ती सभी कंप्लीट करानी है, और सीआरपीएफ कोई भर्ती कंप्लीट करानी है तो ये मान के चलिए कि ये साल आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। बचे हुए जो भी आप लोग के 3 से 4 मंथ हैं पूरी तरीके से आप लोग तैयारी में लग जाइए, क्योंकि समय नहीं मिलेगा, ट्रेड टेस्ट आप लोग को क्लियर करना होगा। जी हाँ, कॉन्स्टेबल्स की पोस्ट पे हो चाहे हेड कॉन्स्टेबल, एसआई, एएसआई, सभी की जानकारी मैं आप लोग को दे रहा हूँ। जी हाँ, कॉन्स्टेबल की पोस्ट पे हैं तो 200 से प्लस आप लोग की वैकेंसी है। जी हाँ, 246 वैकेंसी है, और ट्रेड में बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं है लेकिन जानकारी आप लोग को होनी चाहिए। जी हाँ, चाहे आप लोग वाशरमैन से हो, वाटर कैरियर, सफाई कर्मचारी, मसालची, कुक, टेबल बॉय, सभी का वर्क आप लोग को पता होगा। कुक का वर्क कुकिंग से रिलेटेड, सफाई कर्मचारी सफाई से रिलेटेड, और इसके अलावा आप लोग का जो है वाशरमैन का काम जो धुलाई प्रेस इन सब चीजों से रिलेटेड है होता है, और मसालची का भी आप लोग को पता ही है, सारा कुकिंग से ही रिलेटेड है। टेबल बॉय का आप लोग को पता ही होना चाहिए। बिल्कुल, तो यही वर्क है, वर्क करते रहिए, क्योंकि रिजल्ट सितंबर मंथ में आप लोग को देखने को मिलना चाहिए। इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है, थोड़ा और वेट कीजिए। जी हाँ, एसएसबी कांस्टेबल ट्रेडमेंट ड्राइवर वालों की तरह आपका भी रिजल्ट आने वाला है, और ट्रेड टेस्ट स्टार्ट होते ही आप लोग की ज्वाइनिंग होगी। इसके अलावा मैं क्लियर कर दूं, बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका की एसएसबी में इस वक्त ट्रेड टेस्ट है और वो अपने ट्रेड टेस्ट में बिजी हैं। सर थोड़ा सा डिले कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, अब डिले नहीं होगा। सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ वालों का भी ट्रेड टेस्ट स्टार्ट होगा, एसएसबी वालों में भी आपका सिलेक्शन हुआ है, उसका ट्रेड टेस्ट भी दीजिए, इसका भी दीजिए, और दोनों में से कहीं ना कहीं आपको सिलेक्शन लेना है। और यदि एसएसबी में नहीं हुआ है तो घबराने की जरूरत नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ आप लोग के पास एक ऑप्शन अभी और है, पैरामेडिकल में आप लोग सिलेक्शन लीजिए। जी हाँ, सिलेक्शन लीजिए। तो मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में, बट जाने से पहले आप लोगों से यही कहूंगा, यदि चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आप लोग लगे। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट।